मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी होनी है, प्रेगनेंसी को चाहता है, तो उसके पहले अपना चेकअप करा लीजिए कि शरीर में कहीं खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि एनीमिक मदर से एनीमिक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और सबको बोलते हैं बीमारी तो हमें कभी सुनी नहीं थी कि कहाँ से आ गई, हमें तो कभी नहीं सुनी, हमारे समय तो होती नहीं थी और अभी ये नई बीमारी चालक इस वो इससे भी चालक ही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम लोग अपने खाने पीने में कितना अपना नुकसान कर रहे हैं जिसकी वजह से सब बीमारियाँ डेवलप हो रही हैं। प्रेगनेंसी एनीमिया में दूसरा ये कि अगर ये हम लोग ये माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं हम खून की कमी होती कैसे, जो लोगों का शरीर है इसमें जो ब्लड, आपने सब लोग ब्लड देखा हो, ब्लड रेड कलर दिखता है वो बहता है, तो उसमें अगर हम लोग उसको अलग करते हैं तो उसके अंदर में इस तरह के ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल सेल्स होते हैं और पूरा एक तरल पदार्थ होता है और उसके अंदर ये सेल्स बहते रहते हैं जो लाल रंग के होते हैं, इन्हीं को इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, तो अगर ये सेल्स अच्छी मात्रा में होते हैं तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होती है, अगर ये सेल्स कम हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होता है, मतलब जब सीधी सीधी बात है जब खून पतला होता है तो एनीमिया डेवलप हो जाता है। सब लोग बोलते हैं बहुत कमजोरी लग रही है दो बोतल लगा दीजिए, बोतल लगाने से खून और पतला होगा, बोतल लगाने से ताकत कभी नहीं आती, कभी नहीं तो कमी नहीं, तो ये बिल्कुल बंद से हटा दीजिए, अगर कोई आपको बोल रहा है कि दो बोतल लगा के अपनी कमजोरी आप ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ऐसा होता नहीं। व्यायाम सबको करना है, खाली गर्भावस्था में नहीं, सबको कैसा भी जैसा आता है वैसा, स्कूल में सिखाया हुआ सबको कूदना सिखाया ना 1 2 3 4 जो भी ऐसे ही आप करें वो सब बेस्ट है जो आपको आती है, बस करना जरूरी है। तो एनीमिया बढ़ने के कारण, इसके कारण ये है कि एक तो बहुत लोग ऐसे हैं हम लोग एक गांव में गए थे दिलनपाली विलेज में, मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर 70% लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन और साथ में एनीमिया से युक्त पूरे के पूरे और सब कुपोषित, केवल हड्डियाँ दिख रही हैं। जब संगीता ने बहुत से बात की मैं इंकरेज कर पाया कि उन्होंने मुझे बताया कि जब उससे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे पास खाने को नहीं है और लोग बाखर भात खाते हैं, तो ये डायबिटीज हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, खाने को है चाहे नहीं है लेकिन मेंटल पीस नहीं, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन डायबिटीज हो रही है और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फ्री में दवाइयाँ मिल रही है, वो दवा कभी ले पाते हैं और कभी दवा नहीं ले पाते, तो जो एनीमिया हो रहा है ये जो सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब रहती है वहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सफाई नहीं है, बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार मलेरिया होता रहता है, शरीर खून कम होता रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है और दूसरी बीमारियों को अपने आप में अंदर लेते जाते हैं, स्वच्छता की उनमें बहुत कमी होती है और आहार में लोहे की खराब उनका होता है, दूसरा पेट में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, खासकर कृमि, अगर पेट में कृमि है तो बच्चा बोलता है रात में वो चूहा काटता है, आप उसका ट्रीटमेंट जरूर 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 कराइए बिना भूले, कुछ नहीं है छोटी सी इतनी बड़ी शीशी आती है बच्चे को, छोटा बच्चा है तो आधी शीशी 4 अंगल और बड़ा बच्चा है 5 साल का है तो 8 अंगल मिला देते हैं, 15 दिन का एक और मिला देते हैं, बच्चा स्वस्थ। अब अगर गर्भवती महिला को खून की कमी हो जाती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी, और सबको लगता है अरे ये कल तो गई, कल तो मैं बात करी बिल्कुल ठीक थी, ये सीरियस कहीं होगी, इसलिए हो गई कि शरीर में खून की कमी इसको पता ही नहीं चला, जब ले गया अस्पताल तक मालूम पड़ा कि ये और भी इसको दूसरी प्रॉब्लम हो गई है खून की कमी की वजह से, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा छोटा छोटा हो गया, बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाया, पानी अंदर में सूख गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अंदर में कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ जो पता नहीं चला, पूरे शरीर में सूजन हो गई और मेडिकल